हेलो दोस्तों, नमस्कार, सत श्री अकाल, वड़कम, आदाब, केम छो, तसी दिने फैफुल्ला। मैं हूँ अभी काठमांडू में और मेरा छोटा भाई है ज्ञानू। हेलो गाइस, हाय बोल रहा है सबको। अभी हम दोनों जा रहे हैं तमिल घूमने जा रहे हैं दोनों भाई। आज बहुत सालों के बाद हम दोनों एक साथ घूम रहे हैं, नहीं तो पहले दिल्ली में हम लोग एक साथ ही घूमते रहते थे। क्यों भाई? दिल्ली की याद ताज़ा कर रहे हैं दोनों एक साथ घूम के। आज मिलते हैं फिर आगे, टेक केयर। अभी निकल चुके हैं हम लोग तमिल के लिए दोनों भाई। तमिल दरबार मार्ग जो जो मतलब दिखेगा वो काठमांडू, क्योंकि और टाइम आता था तो अकेला हो जाता था। तो दरबार मार्ग ना, दरबार मार्ग, ओके। ये अपना काठमांडू के अंदर का अपना जो क्राउड है, अच्छा जगह जो कहते हैं VIP एरिया, पॉश एरिया जिसे कहते हैं, वो ये है। हमारे जो थे रॉयल पैलेस जिसे कहते हैं, ये हमारा दिल्ली में चाणक्यपुरी में नरेंद्र मोदी जी का है, उसी हिसाब से यहाँ पे पूरा का पूरा कवर कर रखा है। अब हम पहुँच चुके हैं तमिल जो काठमांडू का सबसे फेमस जगह है, जहाँ सारे फॉरनर्स आते हैं देश विदेश से। ये है तमिल, जहाँ पे आपको क्लब, बार और कैसीनो, मतलब एवरीथिंग जो आपको चाहिए, जैसे गोवा में होते हैं और अपने आप समझ चुके होंगे उस तरीके से। ये पूरा का पूरा एक अलग ही कॉन्सेप्ट है यहाँ पे। ये देख सकते हो पूरी मार्केट इतनी बड़ी है यहाँ पे,
देखिए आप, मैं तो बोला कि यहाँ से पूरे शॉप चालू, दाएं बाएं दोनों तरफ से शॉप चालू, यहाँ वो हर चीज़ मिलेंगी जो आपको चाहिए। अवेलेबल है, अवेलेबल है, मतलब सब चीज़ देख सकते हैं आप। देखिए यहाँ स्टैचू वगैरह छोटे छोटे हर चीज़ है, ऐसा कुछ नहीं है जो यहाँ पे काठमांडू के अंदर नेपाल जिला में ना मिलेंगे। टुकड़ी जिसे कहते हैं हमारा हथियार, नेपाली हथियार जिसे कहते हैं, देख सकते हैं आप। जैसे हम लोगों का संडे को इंडिया में छुट्टी रहती है, यहाँ सैटरडे छुट्टी रहती है, और सैटरडे को यहाँ क्राउड अलग ही लेवल का रहता है, एकदम जबरदस्त। यहाँ देख सकते हैं आप सारे फॉरनर्स आ रहे हैं। भाई बाइक पार्किंग कर रहे हैं, छोटा सा हमें कुछ काम है तो इधर आए हैं उस काम के लिए। नीचे देख सकते हैं हम लोगों ने उधर बाइक पार्किंग करी है, क्योंकि यहाँ आप किसी भी जगह और कहीं पर भी पार्किंग नहीं कर सकते, आपने रोड में वैसी पार्किंग खड़ी कर दी ना। भाई ने बाइक पार्किंग करी है इधर, और यहाँ पे अलाउड नहीं है आप कहीं पर भी किसी भी जगह में आप बाइक पार्किंग खड़ी करते हैं, क्योंकि यहाँ चलान है, पुलिस वाले आते हैं और उसमें लॉक लगा के चले जाते हैं, तो आपको उसके बाद चलान भरने के बाद ही वो बाइक रिटर्न मिल सकती है। हम तो इंडिया में कहीं पर भी गुजर देते हैं, कोने खपचे में जहाँ मर्जी खड़ा कर दिया, कोई प्रॉब्लम नहीं है ना, फाइन लगने तो यहाँ सीधा फाइन हो जाता भाई। यहाँ ये एक चीज़ है, ट्रैफिक के लिए बहुत कड़क रूल है यहाँ ट्रैफिक का। ये पूरा मार्केटिंग है यहाँ, देख सकते हैं। हाँ ज्वेलरीज वगैरह, बैग, जैकेट, हर चीज़ को अवेलेबल होना। हाँ हाँ बोल रहे हैं, वो सब चीज़ें मिलेंगी जो आता है यहाँ पे, सब चीज़ें। ये देखिए गेस्ट हाउस रूम जो जो है सब मिलेगा आपको यहाँ। आइए काठमांडू में विजिट कीजिए, जैसे अभी एक चल रहा है ना, कम टू नेपाल, हाँ अभी भी कम टू नेपाल। ये देखिए भाई लोग गाना गा रहे हैं, सारंगी बजा रहे हैं भाई लोग। ये देखिए ये भी रेस्टोरेंट है, बाहर रेस्टोरेंट कैफे। मज़ा आ गया भाई आज, इसी टाइम आते आते आज पहली बार इस तरीके से वीडियो बनाने का मौका मिला है, चलते चलते। गली में आप देख सकते हैं इतने अच्छे कैफे और होटल वगैरह हैं, ये देखिए रेस्टोरेंट्स वगैरह, ये देखिए यहाँ पर भी एक अलग सा ही जगह है ये मस्त। और ये ऊपर देख सकते हैं आप, और उसकी आपको मैं दिखाना चाहूँगा, ये देखिए बॉबी मूवी में जो ऋषि कपूर जी ने चलाई थी बाइक टंगी हुई ऊपर, अब ये देखिए क्या जगह बनाया है, आप देख सकते हैं।
ये देखिए टेम्पू का आधा हिस्सा बना के शायद अंदर रेस्टोरेंट वगैरह है। ये देखिए क्या जबरदस्त है। ये कह रहा चाय वाय पीते हैं, चाय वाय पीते थे। ये यहाँ समोसा भी है, जलेबी भी है। ये देखिए यहाँ दीदी बना रही है चाय जलेबी। ये देखिए समोसे भी है। ये भाई दिल्ली वाले आ जाओ समोसा खाने। बाकी आप देख सकते हैं यहाँ सब भाई खा रहा है जेरी। जेरी अपना समोसा, समोसा को यहाँ पे जेरी बोलते हैं। दीदी बता रही है समोसे को जेरी बताते हैं यहाँ पे। और जलेबी को जलेबी है ना जेरी। अब अच्छा जलेबी को जेरी और समोसा को समोसे ही है ना। सॉरी भाई समोसा खा रहा है, जेरी भाई खा रहा है। चाय की चुस्की लिए जा रही है, मजा आ रहा है। लोग हम यहाँ से घर की तरफ वापस जा रहे हैं। यहाँ से अभी हम बसंतपुर जाएंगे, छोटा सा ऐसी गाँव कराएंगे बसंतपुर के लिए। राइट लेफ्ट के दोनों साइड में गोल्ड ही गोल्ड है बस।